रजा, यहाँ पर उपचुनाव जल्द ही आने वाले हैं और इसी को लेकर कांग्रेस भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। अहम बैठक आज देखी गई है और लगातार इस पर रणनीतियों को लेकर मंथन चल रहा है। तो ऐसे में कितनी खास ये बैठक और क्या कुछ रणनीतियों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है? मिला था टनल बनाने का, जिसमें कश्मीर के लोगों को भी रोजगार मिला था और साथ साथ गैर रियासी मजदूर भी इस टनल पर काम कर रहे थे। शाम को जब ये मजदूर वापस काम से लौटे और अपने बैरक्स में गए और वहां पर रात के अंधेरे में आतंकी घुसे और उन आतंकियों ने इन निहत्ते मजदूरों पर फायरिंग की। पीसीसी वॉर रूम में आयोजित हो रही है, देख सकते हैं पीसीसी वॉर रूम के बाहर का नजारा दिखाएंगे हम, किस तरीके से जो बड़ी संख्या में जो अलग अलग दावेदारी पेश कर रहे हैं, उन तमाम दावेदारी पेश करने वाले लोगों के जो समर्थक हैं वो अपने उम्मीदवारों की जो टिकट की डिमांड है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं झुंझुनू जो मुस्लिम न्याय मंच के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से झुंझुनू में भी हाल ही में मुस्लिम महापंचायत बुलाई गई थी क्योंकि कांग्रेस के जो कोर वोटर है वो मुस्लिम माना जाता है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जयपुर में अब जिस तरीके से बड़ी बैठक हो रही है उसके बाद यहाँ पर जो टिकट की डिमांड है एमबी चौकदार सहित अन्य जो मुस्लिम योग्य उम्मीदवार है उन तमाम लोगों को देने की जा रही है। सर जानना चाहेंगे कहाँ से आए आप? सर झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से। इसके लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं? सर मैं आपको बता दूं, हम झुंझुनू में हमारे उपचुनाव है और हम हमेशा से कांग्रेस का वफादार मुस्लिम समुदाय रहा है। सिंबल देखता है, किसी व्यक्ति को नहीं देखता। 11 अक्टूबर को हमारे झुंझुनू में मुस्लिम महापंचायत हुई है। विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू में 30 बिरादरी के लोग हैं, वो सारे एक जाजम पे आगे बैठे। उन्होंने एक डिसीजन किया कि बाई इलेक्शन है, ना सरकार बननी है ना सरकार जानी है। जो वफादार वोट आजादी के बाद कांग्रेस का रहा है, इस बार उनको मौका दिया जाए। कहेंगे जिस तरीके से झुंझुनू से आप लोग जयपुर पहुंचे? सर हमारा तो यही कहना है कि आप किसने किसी मुसलमान को देना चाहिए वोट, टिकट देना चाहिए, यही कहना हमारा तो। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव है, 7 सीटों पर कांग्रेस का कोर वोटर मुस्लिम समुदाय माना जाता है, आप लोग डिमांड कर रहे हैं मुस्लिम उम्मीदवार को झुंझुनू से टिकट? जी बिल्कुल, ये मुसलमानों के साथ में अन्याय होगा अगर कांग्रेस इस बार अनदेखी करती है। तो हम अपना हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं, ये हमारा नारा है। मुस्लिम न्याय मंच की तरफ से ये आवाज है कि मुसलमानों को इस वक्त टिकट दी जाए। मुसलमानों ने हर साल हर वक्त 75 सालों से कांग्रेस को टिकट दी है। आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर के पीसीसी वॉर रूम के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जो टिकट की दावेदारी है वो झुंझुनू के जो लोग हैं वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। शोभदास आप जानना चाहेंगे झुंझुनू से बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो आपकी टिकट की डिमांड करते हुए नजर आ? मेरी टिकट की डिमांड नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी झुंझुनू में 30 बिरादरी है, 70,000 वोटर है, हमारे साथ सारे धर्म के लोग हैं, सारे संप्रदाय के लोग हैं, सारे मजहब के लोग हैं, अगर मुस्लिम को टिकट मिलती है तो वो चुनाव जीत जाएगा। महापंचायत में भी बुलाई गई थी झुंझुनू, मैं गया था उस मुस्लिम महापंचायत में, मैं समाज का आदमी तो जाऊंगा, उनका हाथ टिकट देनी चाहिए उनको। चौकदार को टिकट मिलता है झुंझुनू से दावेदारी करने का, उम्मीदवार कांग्रेस बनाती है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे आप? अरे सर झुंझुनू कांग्रेसी विचारधारा का जिला है, हमारे वोटों से लोग जीतते हैं। अब की बार अगर मुस्लिम समुदाय ने टिकट मांग लिया तो बुराई थोड़ी है, अपना हिस्सा हक मांग सकते हैं ना। बात हो सकता है कि जिस तरीके से राजधानी जयपुर के पीसीसी वॉर रूम में एक बड़ी बैठक हो रही है, बाकायदा जो प्रदेश से कांग्रेस प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा वो यहां पर मौजूद है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली सहित जो अन्य लोग हैं वो यहां पर मौजूद है। देख सकते हैं बंद कमरे के अंदर जो गहन मंथन है वो यहां पर लगातार जारी है। अंदर का नजारा दिखाना चाहेंगे, जिन जिन लोगों की दृष्टि यहां पर जो लोग गेट पर बैठने वाले उन लोगों को मिली है, महज उन्हीं लोगों को यहां पर अंदर जो है प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं कहा जा सकता है कि आज अक्टूबर के अंदर जो फाइनल उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से जो जल्द जारी है मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन 7 सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्यूसन के और जहां जहां पर आदिवासी बहुल इलाके, कहा जा रहा है कि कयास भी लगाए जा रहे हैं क्यूसन के और जहां जहां पर आदिवासी बहुल इलाके, जहां पर बीएपी की जो साख मजबूत है वहां पर कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो कांग्रेस कर सकती है। जी बिल्कुल, इसके अलावा अभी आपने यहाँ पर हमारे दर्शकों को झुंझुनू के अंदर जिस तरह की अभी भीड़ दिखाई दी है यहाँ पर भी ध्यान ले जाया। अब यहाँ पर मांगे क्या उठ रही हैं? क्या यहाँ पर झुंझुनू के वासी चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय से उनके आगे एक नेता है जिसको टिकट मिले, और किस हद तक ये होना संभव भी है?
बिल्कुल देखिए साहब, तो जिस तरीके से भी हाल ही में 8 से 10 दिन पहले ही राजस्थान का जो झुंझुनू इलाका है वहां पर मुस्लिम महापंचायत बुलाई गई थी, मुस्लिम न्याय मंच की तरफ से जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया था, बाकायदा पूरे मामले को लेकर मुस्लिम योग्य उम्मीदवार को टिकट देने की जो डिमांड है वो की गई थी, जिसके बाद अब कांग्रेस से ये डिमांड की जा रही है क्योंकि मुस्लिम जो है कांग्रेस का कोर वोटर है ऐसा इन लोगों का कहना है, जिसके बाद अब यहाँ से डिमांड की जा रही है जो मुस्लिम योग्य उम्मीदवार है उसको टिकट दिया जाए। वहीं जिस तरीके से जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है एमडी चोपदार और वो भी अपनी दावेदारी है वो झुंझुनू से जताते हुए नजर आ रहे हैं, बाकायदा उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी कुछ दिन पहले मुलाकात की थी, उनके अलावा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है उनसे भी यहाँ पर मुलाकात की थी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद जो दावेदारी है वो यहाँ पर की थी। उसके बाद अभी थोड़ी ही देर पहले हमने देखा था कि किस तरीके से देवली उनियारा से नरेश मीणा के जो समर्थक है वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, यहाँ पर टिकट देने की जो डिमांड है वो यहाँ पर की जा रही थी। फिलहाल कहा जा सकता है कि तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी क्योंकि 6 सीटों पर बीजेपी की तरफ से अपने जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है वो यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी तरह से कोई नामों का ऐलान नहीं किया गया है क्योंकि अब करीब 1-2 दिन बाद ही जो नामांकन प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। उससे पहले खास सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक या कल शाम तक जो 7 सीटों पर कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस जो है वो गठबंधन कर सकती है, जिसके अंदर 84 के अलावा जो सुनूबर और जो क्यूसर विधानसभा है वहां पर जो गठबंधन की चर्चा है वो लगातार जारी है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं वो भी ये कह चुके हैं कि मेरी शर्तों के मुताबिक यदि गठबंधन होता है तो मैं गठबंधन करने की तैयार हूं, क्योंकि इस तरीके से जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो क्यूसर नागौर से जिस तरीके से जो सीट है क्यूसर की वो खाली हो गई थी, जो वहां के विधायक थे हनुमान बेनीवाल वो सांसद बन गए थे क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ उनका गठबंधन हुआ था। तो अब कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गठबंधन को लेकर कुछ शर्तें हनुमान बेनीवाल की तरफ से रखी गई है अब देखने वाली बात होगी आगे उन शर्तों को अमली जमा पहनाते हुए गठबंधन होता या नहीं होता। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी अब अपने प्रत्याशियों के नाम सामने रख चुकी है लेकिन कांग्रेस वक्त ले रही है, बतौर पीसीसी वॉर रूम में लगातार अभी भी यहाँ पर चिंतन मनन चल रहा है और ये इसलिए भी जरूरी है रजा क्योंकि हर बार कांग्रेस ओवर द एज हर उपचुनाव में राजस्थान के अंदर बेहतर प्रदर्शन करती रही है, ऐसे में वक्त लेना यहाँ पर क्या और नए आयाम सामने रख सकता है। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ और नामों का ऐलान होने के बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो बगावत का सुर है वो भी साथी कांग्रेस साथी उनके दावेदारों को जब ऐलान किया जाए उसके बाद बगावत के आए जिसके बाद जो चिंतन मंत्री है वो लगातार लगातार जारी है। इसके अलावा अब नितिन जो है वो वो रूम के अंदर लगातार जारी है, इसके अलावा अब मीटिंग जो है वो 2 से 3 घंटे तक और लंबी चलने वाली है क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवारी जो लोग कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर उनकी दावेदारों की जो लिस्ट है वो काफी ज्यादा है, किसी तरीके से कोई नुकसान या यूं कहें बगावत के तौर पर किसी तरीके से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है, उन तमाम लोगों का यदि वो बगावत करते हैं तो तमाम लोगों को किस तरीके से मनाया जाएगा, किसके सिर पर उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, किस तरीके से हमने देखा कि चाहे देवली उनियारा सीट की बात की जाए या फिर अलवर के रामगढ़ की सीट की बात की जाए या फिर जो दौसा की सीट है और जो झुंझुनू की सीट है वहाँ कहीं ना कहीं जो परिवारवाद है वो नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अलवर के रामगढ़ के अंदर जो जो जुबेर खान थे उनकी पत्नी उनके बेटे के नामों की चर्चा चल रही है, उसके अलावा मुरारीलाल मीणा जो दौसा से सांसद बने हैं उनकी बेटी या उनकी पत्नी की चर्चा चल रही है, झुंझुनू से जो बरदेन्द्र सिंह ओला सांसद बने उनके बच्चे की यहाँ पर जो ये कहा जाता है नामों की जो चर्चा है वो चल रही है। फिलहाल आप देखने वाली बात होगी किस तरीके से मांगों को लेकर तवज्जो दी जाएगी या कब तक नामों के उम्मीदवारों का यहाँ पर ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। जी